हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग चैप्टर 7 देख रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16-20। ठीक है, चलो हम लोग उसको क्लियर करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर 4x dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x into 10 square x dx। दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों को जब इंटू करेंगे तो 10 पे पावर 4x आ जाएगा। ओके, और 10 square x का फॉर्मूला होता है sec square x minus 1। ओके, इसको हम लोग एक 10 square की जगह पर पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा sec square x minus 1 into 10 square x dx। अब जब हम लोग इसको और सेपरेट करेंगे तो ये इससे इंटू होगा एक बार, तो लिखाएगा sec square x into 10 square x dx माइनस 1 से इंटू होगा तो 10 square x dx बनेगा। ओके, चलो यहां पर हम लोग एक काम और करेंगे, जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग और खोलेंगे sec square x into 10 square x dx और माइनस 10 square x को, अभी मैंने बताया कि sec square x minus 1 लिख सकते हैं, फिर से sec square x minus 1 dx। इसको और ओपन जब करेंगे तो ये हो जाएगा sec square x into 10 square x dx माइनस sec square x dx plus 1 dx। अब sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x, dx का इंटीग्रेशन x। यहां पर हम लोगों को 10x सब्स्टिट्यूट करना होगा, 10x इज इक्वल टू t मानना होगा, 10x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec square x dx इज इक्वल टू dt। हमने माना 10x को t, हम लोग को क्या मिला, sec square x dx मिल गया dt। हम लोग यहां पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का t square dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx plus 1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, दैट इज t पे पावर 2 plus 1 by 2 plus 1 माइनस sec square x का इंटीग्रेशन 10x प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब बस हम लोग को t का वैल्यू, जो हम लोगों ने t माना है 10x को, t की जगह पर रख देना है, क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। तो आंसर के लिए हम लोग ऊपर चलते हैं, t के जगह पर क्या लिखेंगे, 10x। तो हो जाएगा 10x का होल क्यूब अपॉन 2 plus 1 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलो हो गया। ओके, चलो हम लोग इसको रब करके अगले की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin³x plus cos³x upon sin²x into cos²x dx। सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग इसको, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस बाय पार्ट निकाल लेना है दोनों के फैक्टर को, sin³x upon sin²x into cos²x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ cos³x upon sin²x into cos²x dx। ओके, अभी देखो यहां पर sin³x है और नीचे sin²x है, तो क्या करूं, कुछ कट रहा है, कट रहा है। sin³x को हम लोग लिख सकते हैं sin²x into sin x, तो यहां से क्या कट जाएगा, स्क्वायर और ये क्यूब कट जाएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, ये स्क्वायर इसका क्यूब से कट जाएगा, तो
तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने खोल दिया, फिर प्लस यहां पर ऊपर में क्या बच रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर जानने वाली बात क्या है, यहां पर जानने वाली बात यह है कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है टेन एक्स, वन बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और यहां पर कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है कॉट एक्स, और वन बाई साइन एक्स होता है कॉसिक एक्स। इतना जान ले आप। अब हम लोग इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखो यहां पर ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स मैंने बताया अभी अभी क्या होता है टेन एक्स, तो लिख देंगे टेन एक्स। फिर बचा क्या, वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, सेक एक्स डी एक्स। प्लस यहां पर देखो कॉस एक्स बाई साइन एक्स मैंने क्या बताया, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, फिर वन बाई साइन एक्स कॉसिक एक्स, कॉसिक एक्स, कॉसिक एक्स डी एक्स। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी एक फॉर्मूला है वो भी देख लो, क्योंकि जब बना रहे हैं तो अच्छे से देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसिक एक्स। ओके, सो हम लोग के पास एज इट इज पड़ा हुआ है टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है फॉर्मूला में माइनस कॉसिक एक्स, तो माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप और अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस हमें क्या, हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए और बनाने का एक प्रोसेस होना चाहिए, बस दैट्स इट। चलो इसको खत्म करो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इज इट डन, चलो मैं इसे रब कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां पर जान लो कि हम लोग बना तो इसको बहुत सारे प्रोसेस से सकते हैं, लेकिन जिससे जितना इजी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। तो यहां पर एक चीज जानो कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स यहां पर है वहां पुट कर देंगे हम लोग, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ओके, सो इसको हम लोग इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब सवाल यह है कि जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस 2x प्लस प्लस माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अभी देखो यहां पर कॉस 2x और कॉस 2x ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अभी अभी मैंने बताया था 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स। ओके, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। दैट्स इट,
हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसको जल्दी से रब करेंगे. ओके डन. चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स इनटू कॉस पावर 3x dx. ओके तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अभी यहां पर क्या है ना, यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो जरूरी है. अब देखो यहां पर क्या करना है, बोला जा रहा है कि 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बोला जाता है. तो बस हम लोग को इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर देना है और कुछ भी नहीं, फिर आगे प्रोसीड होता रहेगा. ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. डन. अभी क्या करना है, बाई पार्ट कर लेना है, साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये पूरा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ये पूरा. तो देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. अब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स है, इस साइन एक्स से इसका एक पावर कटा, बचा क्या, बचेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. क्यों, क्योंकि कॉस क्यूब है. मैंने क्या किया, कॉस पे पावर 1 कॉस पे पावर 2 अलग कर दिया ताकि ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड हो सके. ठीक है, अभी प्लस यहां पर क्या है, कॉस पे पावर 3 कॉस पे पावर 2 क्या किया जाए, ये इसको हम लोग देखो अच्छे से. देखो यहां पर एक प्रोसीजर और है, यहीं पर ये क्लिक करेगा क्वेश्चन, बाकी कोई इशू नहीं है इसको. ठीक है, तो पहले इसे काट देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. कॉस पे पावर 2 को हमने कट किया, कॉस पे पावर 3 है तो कॉस पे पावर 3 वाले में से 2 निकला तो बचा कॉस एक्स नीचे, तो क्या बचेगा यहां, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, यहां तक तो हम लोग आराम से आ गए है ना. अभी यहां पर एक और क्लिकिंग बचा हुआ है जिसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा. देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेक स्क्वायर एक्स होता है डी एक्स. ये तो बन गया, इस पे काम करना है अपने को. क्या है यहां पर, यहां पर क्या है, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. यहां पर क्या करना है, बस ऊपर में कॉस एक्स से इंटू कर देना है और नीचे भी कॉस एक्स से इंटू कर देना है. तो ऊपर में कॉस एक्स किया तो कॉस एक्स इंटू 1, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पहले से था और एक कॉस एक्स आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा डी एक्स. ठीक है, अभी देखो इसके आगे क्या करते हैं, ये हो जाएगा 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स. और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स. अभी यहां पर एक और चेंज है जो हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन अब उसके बाद बनने लायक हो जाएगा. क्या है ये, इसको एक बार और लिख लो, 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 10x. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x डी एक्स. डन. अभी जानो कि मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 10x कॉट एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 10x, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, कॉटेक्स इज इक्वल टू 1 बाई 10x. तो यहां आ रहा है कॉटेक्स, मैंने बस इस कॉटेक्स को 10x बनाकर नीचे डाल दिया. ठीक है, अब यहां पर आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड.
दोनों में हम लोग 10x को t मानेंगे, क्या करेंगे दोनों में 10x को t मानेंगे। तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। 10 let 10x is equal to t, तो डिफरेंशिएशन करने पे sec square x dx is equal to dt। तो देखो यहां पर इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। sec square x dx और ये रहा sec square x dx, दोनों में dt आ गया और ये तो t है और ये t है। तो अब हम लोग फाइनल इंटीग्रेशन में फिक्स कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt, इसके लिए बना t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt by t, दैट्स इट। t का इंटीग्रेशन होता है t पे पावर 2/2 प्लस 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। क्वेश्चन बन चुका है, बस इसमें t का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। t हम लोगों ने किसको माना, t हम लोगों ने माना 10x को, तो 10x रख दो वहां पर, ये क्या हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log 10x, क्या हो जाएगा t के जगह पे 10x प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखो, बनाओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। डन, चलो हम लोग इसको खत्म करते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग को लगा देना है। क्या होता है वो, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको हम लोग पुट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पर एक चीज और आता है, हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ओके सो यहां पर देखो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जहां पर ए इज इक्वल टू कॉस एक्स है और बी इज इक्वल टू साइन एक्स है। ओके साइन एक्स है। सो अब हम लोग इसको फिर से प्रोसीड करेंगे, तो इसको जब हम लोग इस वाले फॉर्मेट में डालेंगे तो ये क्या बोलेगा, ये बोलता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डन, अभी देखो फिर अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दें, खोल कर लिख दें cos x प्लस साइन x, दोनों को दो बार लिख दिया स्क्वायर होने के कारण। अभी अभी हम लोगों का देखो एक सेक्शन कट जाएगा cos x प्लस साइन x और ऊपर से cos x प्लस साइन x। अब अपने पास बच क्या रहा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जैसे ही हम लोग टी मानेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स
और साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां पर क्या है, हम लोग को ऊपर वाला चाहिए, बस इसको हम लोग को घुमा देना है, क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या हो गया, हम लोग को ये पूरा ऊपर वाला सेक्शन मिल चुका है, ऊपर वाला सेक्शन पूरा मिल चुका है डी टी के फॉर्म में, और नीचे वाला टी, फिर से हम लोग इसको पुट कर देते हैं और ये आंसर दे देगा हम लोगों को। क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा डी टी बाई टी। तो डी टी बाई टी वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा लॉग टी, किसको माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, और हम लोगों ने 16 टू 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5, जिसके बाद ये 7.3 चैप्टर कंप्लीटली खत्म, फिर हम लोग जाएंगे 7.4 पे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।